डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी पीके। माय नेम इज सैयद उसामा। आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं। टॉपिक के नाम को आपने जरा गौर से देख लेना, क्योंकि ये दो मिलते जुलते टॉपिक्स हैं। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इस पॉइंट को नोट कर लें। हमारे पास जो आप एक बॉल कंसिडर कर लें, टेनिस बॉल, और ये सपोज कर लें कि टेनिस बॉल के अंदर वॉल्यूम में चार्ज भरा हुआ। मैंने ये नहीं कहा कि चार्ज उसके सरफेस पे है, मैंने कहा है चार्ज उसकी वॉल्यूम पे है। तो आज हमने तीन केसेस डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे आउटसाइड दैट वॉल्यूम स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर हेडिंग नहीं बना रहा, या खुद ही इसको मेक डाउन कर लें या राइट डाउन कर लें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कंसीडर करते हैं। ये हमारे पास एक स्फीयर है। इस स्फीयर के अंदर यहां पे चारों तरफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और वो पॉजिटिव चार्ज है। इस स्फीयर का जो रेडियस है वो सेंटर से कैपिटल आर है। यहां पे दो तीन बातें हैं जो मैं आपको पहले बता देता हूं। ये जो पहला केस है जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है आउटसाइड दैट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अभी मैं आपको मजीद डिटेल भी बताऊंगा। अभी हम पहले इसके अंदर की बात कर रहे हैं। इसके अंदर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, पहली बात तो ये कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ हुआ। कहीं पे चार्ज ज्यादा भी हो सकता है और कहीं पे चार्ज कम भी हो सकता है। तो रो इनसाइड दैट स्फीयर इज नॉट कॉन्स्टेंट, पहली बात आपने ये याद रखनी है। अच्छा, अगर हम इसके ऊपर गॉसियस लॉ अप्लाई करें तो वो हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो स्फेरिकल सिमेट्री कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे आपकी हेलेडरेज़निक क्रेन ने एक अजम्पशन की है। उसने ये कहा है, बिल्कुल ठीक है, कि अगर ये जो रो है, ये जो चार्ज डेंसिटी, जो चार्ज इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कॉन्स्टेंट नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप एक खास रेडियस सेलेक्ट करें, फर्ज कर लेते हैं रेडियस की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, और इस पॉइंट पे आप एक थिन शेल ड्रॉ करें, तो यहां पे इस शेल के ऊपर अलोंग दैट पाथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन रेडियस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन रेडियस। मैं अपनी बात को दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड नहीं कर रही। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ और हो सकती है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ और हो सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड कर रही है रेडियस पे। एक रेडियस के अराउंड जो आप थिन शेल ड्रॉ करते हैं उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कॉन्स्टेंट रहेगी, और यही वो कंडीशन है स्फेरिकल सिमेट्री की, जिसको फॉलो किए बगैर स्फेरिकल सिमेट्री को हम गॉसियस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये हमारे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस है आर और इसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। डियर स्टूडेंट्स, आपको बहुत अच्छे से याद होगा मैंने आपको तीन पॉइंट लिखवाए थे। जब भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी होती है गॉसियस लॉ लगा के, तो आप ड्रॉ करते हैं गॉसियन सरफेस। अब जरा क्वेश्चन को देख लें। यू हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ स्फेरिकल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट केस, आपने इस स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। आपने देखना है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इसकी वजह से बाहर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा पहला स्टेप ड्रॉ गॉसियन सरफेस, और ऑब्वियस ही बात है क्वेश्चन के मुताबिक हमने जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है वो हमने इस सरफेस के बाहर ड्रॉ करनी है। तो इसका जो रेडियस होगा वो होगा स्मॉल r। इस रेडियस को, जो गॉसियन सरफेस का रेडियस है फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट ऑफ दैट स्फीयर, इसको मैं लिख लेता हूं स्मॉल r से। यहां पे मैं एरिया कंसीडर कर लेता हूं, दिस इज द एरिया dA। इस एरिया का नॉर्मल वेक्टर इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं, और आपको पता है क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी इस एरिया के परपेंडिकुलर होगी और इसके नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल होगी। मैं आपको दोबारा से याद करवा देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो एंगल होता है एरिया वेक्टर का, वो हम उसके नॉर्मल के दरमियान से लेते हैं।
तो स्टूडेंट यहां पे ही वो पॉइंट कोई ले लेते हैं P, जिसके ऊपर हम इस स्फेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। इस पॉइंट P पे जो मैंने एरिया कैलकुलेट लिया हुआ है वो एरिया एलिमेंट है dA। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको दूसरा पॉइंट भी बहुत अच्छे से याद होगा। दूसरा पॉइंट था कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। अब हम इस पॉइंट के ऊपर चार्ज कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि आपको नजर आ रहा है हमारे पास 3D फिगर है, हमारे पास स्फीयर है, तो हमारा जो चार्ज होगा ऑब्वियस सी बात है वो भी वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। और जब ऐसा होता है तब हम लेते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल होता है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का सिंबल है रो, यही सिंबल डेंसिटी का भी है। हमारे पास इतने एलिमेंट एरिया का जो वॉल्यूम है, अगर मैं इसको वॉल्यूम वाइज भी एक्सपेंड कर लूं तो वो वॉल्यूम होगा डीवी, और जो यहां पे चार्ज इनक्लोज होगा वो होगा डी क्यू ओवर डीवी। तो इतना अगर हमने चार्ज निकालना है डी क्यू, तो हम यहां से लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल्स टू रो इन टू डीवी। देखें, ये बात मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखी है। ऑब्वियस ही बात है यहां पे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, यहां पे तो चार्ज इनक्लोज नहीं है। ये जो वॉल्यूम आपने कंसिडर किया है, ये आपने स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पे कंसिडर करना है। अगर इसका वॉल्यूम डीवी है और आप चाहते हो कि आप टोटल वॉल्यूम निकालो, तो आप क्या करोगे, आप इस पूरे के पूरे स्फीयर को इन स्मॉल पैचेस में डिवाइड करोगे और उन स्मॉल पैचेस का सम ले लोगे, और वो सम कॉन्टिन्यूस सम है इसलिए मैं उसको इंटीग्रेशन से लिख सकता हूं, और वो चार्ज का सम भी कॉन्टिन्यूस इसलिए मैं उसके भी इंटीग्रेशन कर सकता हूं। इस तरह से मेरे पास टोटल चार्ज आ जाएगा, Q विल बी इक्वल टू रो इनटू इंटीग्रेशन ऑफ डीवी। जरा यहां पे देखें, हमारे पास फिगर के अंदर स्फीयर है और आप सबको बहुत अच्छी तरह पता है कि स्फीयर का टोटल वॉल्यूम 4/3 πr³ होता है। तो हमारे पास चार्ज का फॉर्मूला बन जाएगा रो इंटू 4/3 πr³। यहां पर मैंने स्मॉल r क्यों नहीं लिखा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं जो चार्ज है वो इस सरफेस के ऊपर है, यहां तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये हमारे पास चार्ज की वैल्यू है, ये टोटल चार्ज है इस स्फीयर का। हम आगे चलते हैं, हमने दो स्टेप्स अप्लाई कर लिए, हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ली, हमने चार्ज कैलकुलेट कर लिया। अब तीसरा स्टेप है, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, फाइ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, लेकिन जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाता है। हमें ये बात भी पता है कि ई डॉट डी ए इक्वल होता है ई इंटू डी ए कॉस थीटा के। और अगर आपको अच्छी तरह से याद है कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के दरमियान जो एंगल है दैट इज 0°, तो ये हमारे पास कॉस 0-1 हो जाएगा। आप खुद ही ये स्टेप सॉल्व कर लीजिएगा, हमारे पास बाकी बचेगा फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, तो मुझे सिर्फ वेक्टर एरिया के मैग्नीट्यूड का सम लेना है। अब जरा दोबारा फिगर पे आ जाएं, मैं बात कर रहा हूं डीए, अगर मैं कहता हूं ये स्मॉल एलिमेंट है डीए और मैं चाहता हूं कि इस पूरे स्फीयर का एरिया निकालूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको स्फीयर को तमाम को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लूंगा और उन तमाम छोटे छोटे पैचेस का सम ले लूंगा। इस तरह से मेरे पास स्फीयर का एरिया आ जाएगा, और मेरा ख्याल है कि हर बच्चे को पता है कि स्फीयर का एरिया होता है 4πr². इस तरह से फाई का इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बन जाएगा ई इंटू 4πr². स्टूडेंट्स, हमने गॉसियस लॉ पढ़ रखा है, इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन वन, इसको मैं कहता हूं फाई इक्वल्स टू ई इंटू 4πr² इक्वेशन टू, और गॉसियस लॉ का फॉर्मूला होता है फाइ इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। हमें बताया है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है जो कि इस फॉर्मूले में है, फाइ इज इक्वल टू ई इंटू 4πr² इज इक्वल टू फाइ इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री को कंपेयर करूं तो मेरे पास आ जाता है ई इंटू 4πr²
ये स्मॉल आर और कैपिटल आर का प्लीज ध्यान रखेगा, अदरवाइज आप ये पूरा टॉपिक गलत कर देंगे। E into 4 pi r square is equals to q over epsilon naught। और आपको बहुत अच्छी तरह से याद है कि मैंने चार्ज का फॉर्मूला भी आपको डिराइव करवाया हुआ है, वो वैल्यू हम इक्वेशन 4 में सब्सटीट्यूट कर देंगे। ये प्लीज आपने मेंशन करना है साथ साथ पेपर में, अदरवाइज आपके नंबर कट सकते हैं। ए इंटू फोर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू रो इंटू फोर ओवर थ्री पाई कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो आप यहां पे देखें, यहां पे हमारे पास क्या क्या चीज कैंसिल हो रही है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 4 कैंसिल हो रहा है दोनों साइड पे, फिर हमारे पास पाई कैंसिल हो रहा है दोनों साइड पे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनता है वो मैं यहां पे लिख देता हूं, E इज इक्वल टू रो इन टू आर क्यूब ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर कहां से आ गया, मैं दोबारा बोल देता हूं, रो इन टू आर क्यूब ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। देखें हमारे पास ये आर स्क्वायर यहां मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर आके डिवाइड हो गया। अब आपको एक बात पता है कि अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं आउटसाइड दैट स्फीयर, तो हमने ये बात नोट की कि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है बल्कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। तो इसको हम इस बात के इक्वल भी लिख सकते हैं, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रेज टू पावर माइनस टू, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यहां पे हमने देखा कि अगर हमारे पास रेडियस बढ़ता जाएगा, लेकिन बात याद रखिएगा आप अभी स्फीयर के अंदर नहीं हो, स्फीयर के अंदर मुख्तलिफ रिजल्ट होगा, आपने इस बात को नोट करना है। यानी कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और रेडियस का ग्राफ बनाऊं, दिस डिस्टेंस इज आउटसाइड दैट स्फीयर, मैं फिर इस बात को आपको बता रहा हूं, तो हमारे पास कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा इनवर्स स्क्वायर लॉ। अगर हम इसके बाहर हैं तो हमारे पास इनवर्स स्क्वायर रिलेशन है, हम स्फीयर के अंदर नहीं है। ये मैं आपको बाद एक बार फिर से याद दहानी करवा देता हूं। अच्छा जी, अब अगला जो केस है उसमें आपने स्फीयर आपके पास यही है, लेकिन आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है इनसाइड द वॉल्यूम्स, स्फेरिकली वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यू हैव टू कैलकुलेट, मेक अ हेडिंग प्लीज राइट इट डाउन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन साइड द स्फेरिकल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास फिर से वही वाला स्फीयर है जिसका रेडियस था कैपिटल आर। अच्छा, अभी लास्ट टाइम मैंने आपको एक बहुत बात बताई थी, अब मैं एक और बात करने लगूं। आपकी हेलिडेरेसन क्रेन वॉल्यूम 2 में लिखा हुआ है कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर कैलकुलेट करनी है तो हम यहाँ पे एक बात कंसिडर करेंगे, हम यहाँ पे चार्ज डेंसिटी को कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर कैलकुलेट करने लगे हैं तो हम चार्ज डेंसिटी को यूनिफॉर्म या कांस्टेंट कंसिडर करेंगे, अदरवाइज ये जो डेरिवेशन मैं आपको करवाने लगा हूं ये पॉसिबल नहीं है। ओके जी, नाउ वी विल अप्लाई 3 स्टेप्स। नंबर 1, ड्रॉ गॉसियन सरफेस। स्टूडेंट्स, हमने स्फीयर के अंदर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है। ये जो हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है ये स्फीयर के अंदर ड्रॉ की है। ऑब्वियसली इसका जो रेडियस है वो होगा स्मॉल r, जैसे हमने पहले लिखा था अभी भी हम वैसे ही लिखेंगे। स्टूडेंट्स, दूसरा जो स्टेप है ये हमारी गॉसियन सरफेस है, ये मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको कोई मसला ना रहे। गॉसियन सरफेस हमने अंदर इसलिए ड्रॉ की है क्योंकि अब हम चार्ज डेंसिटी को इस स्फीयर के अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, दूसरा स्टेप था गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने के बाद चार्ज निकालना, और मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ। 4 ओवर 3 हमारे पास चार्ज की वैल्यू आएगी, 4 ओवर 3 पाई आर क्यूब इनटू रो। अब आप मुझसे पूछें कि ये यहाँ पे स्मॉल आर क्यों नहीं आया। भाई देखें, ठीक है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गॉसियन सरफेस अंदर ड्रॉ की है, उसके अंदर निकालनी है, लेकिन हमारे पास स्फीयर तो अभी भी वही है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, इसलिए जब हम चार्ज कैलकुलेट करेंगे हम इसके अंदर नहीं कैलकुलेट करेंगे बल्कि यहाँ पे टोटल चार्ज कैलकुलेट करेंगे।
मेरा ख्याल है कि आप लोग समझ चुके हैं कि यहां पे कुछ गड़बड़ है, हमें तो वो चार्ज चाहिए जो इसके अंदर है, तो उस चार्ज को मैं कह लेता हूँ क्यू प्राइम, और मैं आपको अभी वो निकालना सिखाऊंगा कि हम वो कैसे निकाल सकते हैं। तो क्यू प्राइम को मैं लिख लेता हूं 4/3 πr³ के, क्यू प्राइम इज इक्वल टू 4/3 πr³। ये हमारे पास वॉल्यूम है और इसमें रेडियस शामिल है गॉसियन सरफेस का मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। देखिए अब आपको नजर आ रहा होगा, अगर मैं ये डेंसिटी कांस्टेंट ना रखता तो यहाँ पे रो वन रो टू आ जाता। इसीलिए मैंने टॉपिक को जब स्टार्ट किया मैंने आपको बता दिया कि अब हमने अज्यूम करना है कि चार डेंसिटी इस सफेयर के इनसाइड कांस्टेंट है, अदरवाइज हम ये डेरिवेशन नहीं कर सकते। स्टूडेंट अब आपने ये बात पहले, ये टॉपिक मैंने अभी आपको नहीं करवाया, सॉरी फॉर दैट, मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाता हूँ। हमने शेल थ्योरम पढ़ना है, शेल थ्योरम क्या कहता है उसकी मैं अजम्पशन आपको बता देता हूँ, सॉरी उसका प्रूफ मैं आपको बता देता हूँ। शेल थ्योरम कहता है कि जो चार्ज हमारे गॉसियन सरफेस के अंदर नहीं पाया जाता वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में टेक पार्ट नहीं करता। तो इसका मतलब है ये जो क्यू प्राइम है ये इसके अंदर है, और ये क्यू टोटल चार्ज है, उसमें से हमें ये क्यू वाला चार्ज, ये वाला चार्ज नहीं चाहिए। मैं दोबारा बताता हूँ, टोटल चार्ज है क्यू जो पूरे सफेयर का है, और जो इसके अंदर है वो है क्यू प्राइम, हमें चाहिए क्यू प्राइम, हमें ये वाली अमाउंट नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं क्यू प्राइम को क्यू से डिवाइड कर देते हैं। अब इत्तफाकिया बात है चार्जेस की रेशो उनके वॉल्यूम्स की रेशो के बराबर होती है, तो इस तरह से हम यहाँ पे जो वी प्राइम है उसको भी डिवाइड करेंगे, तो क्यू प्राइम ओवर क्यू ये बन जाएगा 4/3 πr³ इंटू रो 4/3 πr³ इंटू रो ओवर 4/3 πr³ इंटू रो। मेरा ख्याल है कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि q प्राइम को जब हम q से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सी चीज बच जाएगी, q प्राइम ओवर q, ये बाकी सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, इज इक्वल्स टू r³ ओवर r। डियर स्टूडेंट्स मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे वो चार्ज निकाल रहा हूँ जो इस एरिया के अंदर है, जो रेडियस r के अंदर अंदर है। q प्राइम इज इक्वल्स टू r³ स्मॉल r³ ओवर R³ इनटू क्यू। ये आपके पास चार्ज का फॉर्मूला आ चुका है, और ये कौन सा चार्ज है, इसमें बस ये वाला चार्ज शामिल नहीं है, बाकी ये सारा चार्ज जो इसके अंदर अंदर है वो शामिल है। अगेन हमें कोई मसला नहीं है, तीसरा स्टेप अप्लाई करते हुए हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर विद एरिया वेक्टर, और मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के दरमियान जो एंगल है वो जीरो है, E.dA cos 0 E.dA cos 0 1, इंटीग्रेशन आएगी dA के ऊपर, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ हमारे पास यहाँ पे जो dA है ये अंदर वाला एरिया अब कैलकुलेट हो रहा है, तो ये बन जाएगा E.dA 4πr² dA यानी कि टोटल एरिया वो होता है 4πr² याद रखिएगा हमारे पास जो एरिया आएगा उसमें स्मॉल r का स्केयर आएगा। अब हमें पता है दो इक्वेशन होती हैं, phi इक्वल्स टू q ओवर एप्सिलॉन नॉट, और phi का फार्मूला होता है E.dA जो कि अभी अभी हमने कैलकुलेट कर लिया है, q की वैल्यू भी हमने निकाल ली है, ऑब्वियसली ये हमारे पास q प्राइम है, तो q डैश ओवर एप्सिलॉन नॉट इक्वल आ जाएगा e इंटू 4πr² के, e इंटू 4πr² ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा q प्राइम ओवर एप्सिलॉन नॉट के। q प्राइम की मैंने अभी वैल्यू निकाली थी तो मैं उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, e इंटू πr² इज इक्वल टू r³ ओवर R³ मल्टीप्लाई बाय q। तो इसको हम लिख लेते हैं e इज इक्वल टू q r ओवर 4πε0 r³, e इज इक्वल टू q r ओवर 4πε0 r³। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि r² से r कट जाएगा, e इज इक्वल टू q r
over 4 pi epsilon naught r cube. Dear students, अब जरा बहुत ही जबरदस्त बात देखें. जब तक हम स्फीयर के अंदर हैं, मैं दोबारा बता रहा हूं, ये स्फीयर के आउटसाइड अप्लाई नहीं होगा जो मैं बात बोल रहा हूं. जब तक हम स्फीयर के अंदर हैं, इसको हम यहां पे लिख लेते हैं. इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. स्फीयर के अंदर जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ रही है, लेकिन स्फीयर के बाहर जैसे जैसे आप स्फीयर से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी. इस ग्राफ को हम यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं. ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और ये मेरे पास रेडियस है. ये रेडियस चेंज हो सकता है और आपको पता है ये रेडियस चेंज नहीं हो सकता क्योंकि ये स्फीयर का रेडियस है. तो हमारे पास रिलेशन है e इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r. ये रिलेशन कब तक है? जब तक r r के इक्वल ना हो जाए. अच्छा, यहां पे सवाल ये भी आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम कब है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है r इज इक्वल टू कैपिटल r पे. उसके बाद देखें क्या होता है. यहां तक r इज लेस देन कैपिटल r. अब इसके बाद r ग्रेटर हो जाएगा r से और हमारे पास जो ग्राफ है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा. तो हमारे पास ग्राफ ऐसे बनेगा. इस पॉइंट के बाद r इज ग्रेटर देन r के ऊपर e इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर. एक बात मैं आपको और बता दूं, एक तीसरा केस भी है. वो कहता है कि जो आपने स्फीयर ड्रॉ किया था, आपने इस स्फीयर के बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर किसी भी पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है. वो तो हमारे लिए मसला ही कोई नहीं है. हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है, ई इज इक्वल्स टू क्यू आर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इन साइड द स्फीयर. अब वो कह रहा है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है एट सरफेस या ऑन सरफेस. याद रखिए चार सरफेस पे नहीं है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है सरफेस पे. इसका मतलब क्या होगा? ये जो स्मॉल r होगा जो चेंज हो रहा था, ये इक्वल हो जाएगा कैपिटल r के. व्हाट इज कैपिटल r? रेडियस ऑफ द स्फीयर. तो अब मैं अगर यहां पे कैपिटल r सब्स्टिट्यूट करता हूं, e इज इक्वल्स टू क्यू आर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, तो एक r कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला बच जाएगा e इज इक्वल्स टू क्यू आर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन सॉरी क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें गौर से देखें तो ये वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, e इज इक्वल्स टू k इंटू क्यू ओवर r स्क्वायर. k इक्वल होता है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के. इस फॉर्मूले की फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है मैं आपको बताता हूं. अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको याद होगा जब मैंने दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन करवाई थी तो मैंने कहा था कि डेंसिटी अंदर कांस्टेंट है. तो स्टूडेंट्स, इस यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं. यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक पॉइंट के तौर पे, यानी कि एक यूनिट चार्ज के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं. यूनिट का वर्ड गलत है, इसको हम कोई वैल्यू दे सकते हैं कि यहां पे इतनी वैल्यू है, यहां पे इतनी वैल्यू है, और हम इसके ऊपर कूलम्स लॉ भी बड़े इजीली अप्लाई कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर. स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा. थैंक यू वेरी मच.